मैं हूं अभी दुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। डबल इंजन सरकार से कल्याण कर्नाटका के साथ सौतेला बर्ताव, प्रियांक खड़गे का बड़ा आरोप। कल राज्य के CM बसवराज बोम्मई ने कल्याण कर्नाटका उत्सव के चलते गुलबर्गा में आकर इस भाग के लिए 5,000 करोड़ का अनुदान देने की बात कही। ये सब झूठ है, कब आएगा अनुदान? कुछ ही दिन में चुनाव आने वाले हैं, CM का पावर ही चला जाएगा। चुनाव के नज़दीक इस तरह के दिन में तारे दिखा के जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। CM बोम्मई हर बार इन जिलों के साथ अनुदान में सौतेला बर्ताव क्यों करती है सरकार? इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाए KPCC वक्ता प्रियांक खड़गे ने। गेस्ट लेक्चर्स के लिए 175 करोड़ का अनुदान, सरकार का बड़ा आदेश। बेंगलुरु सहित राज्य भर में सरकारी स्कूल्स और सरकारी कॉलेज में गेस्ट टीचर्स और लेक्चरर्स के तौर पर सेवा दे रहे स्टाफ को सरकार ने इनकी कई महीनों की तनख्वाह के लिए 175 करोड़ रुपयों को सैंक्शन कर दिया है, जिससे इनके बाकी बची तनख्वाह को दिया जाएगा, जो उनके संबंधित विभाग की ओर से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ज़रूरतमंद और सरकार ने भी संबंधित विभाग को बिना देरी किए ही इन पैसों को असली हकदारों तक पहुँचाने की सूचना दी है। महिला पर अत्याचार आरोप के चलते कांग्रेसी नेता की गिरफ्तारी। धारवाड़ शहर के कांग्रेसी नेता मनोज करजगी पर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली महिला ने अत्याचार का गंभीर आरोप लगाकर विद्यागिरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मनोज को इनके निवास से गिरफ्तार कर ले गई। ये मामला हुआ विद्यागिरी पुलिस स्टेशन में दर्ज। गांजे के साथ व्यक्ति की गिरफ्तारी। बेलगाम जिला रायबाग तालुका हुबनवाड़ी गांव में हालप्पा पुजारी नामी व्यक्ति के खेत में फसल के बीच गांजा उगाकर व्यापार किया जा रहा था। इसी की पुख्ता जानकारी के आधार पर CEN विभाग के DSP वीरेश डोडमनी और टीम ने छापामारी करके 338 किलो गांजा बरामद कर लिया है। मामला हुआ रायबाग CEN पुलिस थाना में दर्ज। कर्नाटका और केरल CM की मुलाकात। बेंगलुरु शहर में केरल CM अपनी पार्टी CPM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रचार में राज्य को पहुंचे थे। इसी के चलते अपनी पार्टी की सभा से पहले कर्नाटका CM बसवराज बोम्मई के दफ्तर आकर मुलाकात की केरल के CM पिनराई विजयन ने। इस मौके पर केरल के कासरगुड़ से मंगलुरु तक रेल योजना सहित कई मुद्दों पर चर्चा की दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने। नकली पुलिस ऑफिसर्स की गिरफ्तारी। बेंगलुरु शहर में खुद को पुलिस बताकर कई बिजनेसमैन को किडनैप करके लाखों की फिरौती मांगने वाले गैंग बेंगलुरु बैटरायनपुर ने हैदराबाद के जुबली हिल्स से प्रसाद सत्यनारायण नवराव किरण श्रीधर की गिरफ्तारी करके बेंगलुरु लाया गया। इनके पास से नकली पुलिस की ID और यूनिफॉर्म बरामद हुआ है कर्नाटक पुलिस को। व्यक्ति की हत्या करके फरार आरोपी। बेलगाम शहर के कैंप इलाके में कल देर रात व्यक्ति के घर में घुसकर हत्या की गई और हत्यारे मौके से फरार हुए हैं। रियल एस्टेट एजेंट बनकर काम करने वाले सुधीर कांबड़े के नाम से मृतक की पहचान हुई है। मौके पर पहुंचे DCP रविंद्र गढ़दी की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। मामला हुआ कैंप पुलिस थाना में दर्ज। भ्रष्टाचार राज्य और केंद्र सरकार में कूट कूट कर भरा है। सिद्धरामैया आज मैसूरु कांग्रेस भवन के कैंपस में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की सभा की गई, जिसमें विपक्षी दल के नेता सिद्धरामैया, KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे मौजूद। इस मौके पर सिद्धरामैया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले मोदी कहाँ हैं? क्या इन्हें दिखाई नहीं देता कर्नाटका BJP सरकार में कितने बड़े घोटाले
हो रहे हैं पीएसआई स्कैम में, अधिकारी तो छोड़ो मंत्री भी शामिल हैं। जब से देश और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, देश में रहे सभी वर्ग के लोग दुखी हैं। कोई बेरोजगारी से तो कोई गरीबी से, ना खाने वाले नेता ही खाने लगे, तो इससे साफ पता चलता है कि केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों में भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा है, कहा सिद्धरामैया ने। सैनिक स्कूल में 59th स्थापना दिवस को मनाया गया। बीजापुर शहर में रहे सैनिक स्कूल, जो राज्य की पहली सेना स्कूल के नाम से मशहूर है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल 400 एकड़ जमीन में फैले इस स्कूल में अब तक देश के आर्मी के लिए 600 ऑफिसर्स को तैयार करके सरहद पर भेजा गया है। आज इन्हीं कैंपस में 59वें साल होने के जश्न में सेना लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ स्कूल के पुराने स्टूडेंट रहे बीएस राजू आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने थे। इस मौके पर डीसी विजय महंतेश दानव मनोवर और सैनिक स्कूल के टीचर्स और स्टाफ रहा मौजूद। विदेशी करेंसी सप्लायर की गिरफ्तारी। बेंगलुरु केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट में इंटेलिजेंसी अधिकारियों ने चेकिंग करके बेंगलुरु से अबू धाबी जा रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। इससे 45 लाख इंडियन करेंसी कीमत वाले विदेशी नोट बरामद हुए हैं। व्यक्ति की गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई में जुटे अधिकारी। मंदिर दान पेटी में जमा हुआ करोड़ों का पैसा। मैसूरु जिला नंजनगुड़ में रहे दक्षिणी भारत के काशी के नाम से मशहूर नंजुंडेश्वर मंदिर दान पेटी की गिनती की गई। आज मंदिर कमेटी की ओर से पुलिस की निगरानी में गिनती के दौरान 1,35,00,000 रुपये, 131 ग्राम सोना, 4,100 ग्राम चांदी भक्तों की ओर से भेंट चढ़ाई गई है इस मंदिर को। नदी में पानी ज्यादा होने से डूबी मंदिर। भीमा नदी में उजनी डैम से ज्यादा प्रमाण में पानी छोड़े जाने से गुलबर्गा जिला अफजलपुर जेवरगी चित्तापुर तालुका में भीमा नदी के इलाके में रहे यल्लम्मा देवी मंदिर पूरी तरह से भीमा नदी के पानी में डूब गई है। मंदिर का ऊपरी हिस्सा ही अब नजर आ रहा है पानी में। महाराष्ट्र उजनी डैम से 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से स्वर्ण ब्रिज लगभग डूबने की कगार पर है। इसी के चलते माइक के जरिए नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगह जाने की चेतावनी दी जा रही है प्रशासन की ओर से। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।